नमस्कार, मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बड़ी खबर निकल कर आई है कि आप पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो शराब घोटाले मामले में जेल में बंद थे, लेकिन आज उन्हें कोर्ट के आदेशानुसार जमानत दे दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए जमानत दी जाती है, यानी कि आप समझ ले कि चूंकि चुनाव जारी है और 3 चरण की चुनाव हो चुकी है, 4 चरण का चुनाव बाकी है, और यह मांग थी कि चूंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है, पार्टी चुनाव लड़ रही है, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। तो कई शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए जमानत दे दी गई है। अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ शर्तें रखी गई है कि वो सीएम हाउस नहीं जाएंगे और किसी भी फाइल पर वो साइन नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता और समर्थक लंबे समय से आंदोलनरत थे और मांग कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव में शरीक होने के लिए बेल मिलनी चाहिए। कोर्ट ने दलील सुनी और दलील सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। चुनाव में शिरकत करेंगे, चुनाव में भाषण देंगे, चुनाव में घूमेंगे अपने उम्मीदवारों के लिए, इस पर कोई दिशा निर्देश नहीं है। शर्त यही है कि वो किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे और ना वो सीएम हाउस जाएंगे, यानी कि जो उनका कार्यालय है वहां नहीं जाएंगे। तो शर्त के साथ जमानत मिली है। अब देखना यह है कि 4 चरण के चुनाव जो बाकी होने वाले हैं, उसमें सीएम अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका होती है और अरविंद केजरीवाल को जेल से छूटना क्या आप पार्टी की जीत है, या 1 तारीख के बाद अरविंद केजरीवाल को फिर जेल जाना होगा, या तो कोर्ट से ही स्पष्ट हो पाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।